Hello everyone! Welcome back to my channel. It's story time. और मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर ऋषिका। तो चलो आज एक अच्छी सी स्टोरी सुने। लेकिन आज हम कौन सी स्टोरी सुनेंगे? क्या हम एक मंकी की स्टोरी सुनेंगे? नो। फिर आज हम एक डोंकी की स्टोरी सुनेंगे? नो। आई थिंक आज हम एक ऑक्टोपस की स्टोरी सुनेंगे? नो नो नो, आज हम सुनेंगे एक स्नोमैन की स्टोरी। तो चलो शुरू करें। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले लेट्स ऑल सिंग द स्टोरी सॉन्ग। इट्स स्टोरी टाइम, टाइम टू हैव सम फन। It's story time, let's all have some fun. Yay, let's get started. आज की हमारी स्टोरी का नाम है Sneezy the Snowman और इसे लिखा है Maureen Wright ने और इसकी ब्यूटीफुल पिक्चर्स को ड्रॉ किया है स्टीफन गिलपिन ने। अरे वाह, ये कहाँ आ गए हम? ये तो हम एक बर्फीली जगह पर आ गए। और ये कौन है? ये तो मिस्टर स्नोमैन है। हेलो मिस्टर स्नोमैन, हाउ आर यू? और उनके साथ हैं तीन छोटे छोटे बच्चे। तो मिस्टर स्नोमैन को देखिए जरा बच्चों, इनको तो कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। और वो कह रहे हैं ये तो बहुत ही ज्यादा ठंड है, मुझे लगता है मुझे कुछ गरम गरम पीना चाहिए। मिस्टर स्नोमैन को इतनी जोरों की ठंड लगी कि उन्होंने कोको का एक कप लिया और फटाफट उसे पी गए। गरम गरम कोको को गुड़ 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 गुड़। और जैसे ही पिया तो कहने लगे, वाओ ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा पीकर, ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम ड्रिंक। और फिर क्या हुआ? हो, ये देखो बच्चों, आप मानो या ना मानो, मिस्टर स्नोमैन तो पिघल गए क्योंकि इतना गरम जो था कोको। फिर बच्चे चिल्लाए और कहने लगे, ओह माय गॉड, अब हम क्या करें? What should we do? तब नीचे से पिघले हुए स्नोमैन की आवाज आई, अरे भाई मुझे दोबारा बनाओ, make me brand new. फिर सब बच्चों ने मिलके क्या किया, चलो देखें, let's go and see. ठंड लगी ओढ़ो रजाई, ये तो देखो सर्दी आई, ओढ़ो रजाई, ओ भैया ओढ़ो रजाई। ये तो मिस्टर स्नोमैन को सारे के सारे बच्चों ने मिलके दोबारा बनाया। फिर देखो क्या हुआ, ठंडी ठंडी हवा चली भाई, हवा चली। जैसे ही इतनी जोरों से ठंडी ठंडी हवा चली, मिस्टर स्नोमैन ने तो जोर से छींक मारी, आठो। जैसे ही उन्होंने छींक मारी, कहने लगे मुझे तो बड़ी ठंड लग रही है, ओह मेरी तो कुल्फी जम रही है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो ये छोटी सी लड़की ने बोला, अरे मिस्टर स्नोमैन कोई बात नहीं, आप मेरी कैप ले लो, आपको ठंड से आराम मिलेगा। तब सारे के सारे बच्चों ने बोला, मिस्टर स्नोमैन आप तो बिल्कुल हीरो लग रहे हो इस पिंक कलर की कैप में, एकदम हीरो। ये तो देखो मिस्टर स्नोमैन ने कैप भी पहनी, लेकिन उनको तो फिर भी ठंडी लगने लगी। कहने लगे मैं तो जम रहा हूँ इतनी ठंडी में। फिर उन्होंने कहा, चलो मैं अपनी ठंड को दूर करने के लिए एक गरम गरम उबलते हुए पानी के टब के अंदर जाके बैठ जाता हूँ। मिस्टर स्नोमैन को फिर मिल गया एक गरम गरम पानी से भरा हुआ टब और वो उसमें जाके बैठे तो कहने लगे, अरे वाह वाह ये तो बहुत ही मजा आ रहा है, ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम पानी के टब में बैठने में, वाह वाह वाह। लेकिन ये क्या हुआ? हो, ये देखो बच्चों, आप मानो या ना मानो, मिस्टर स्नोमैन तो फिर से पिघल गए क्योंकि वो पानी था कुछ ज्यादा ही गर्म। फिर सारे के सारे बच्चों ने कहा, अरे अब क्या करें हम? What should we do? तब पिघले हुए स्नोमैन से आवाज आई, अरे मुझे दोबारा बना दो, मेक मी ब्रांड न्यू। फिर चलो देखें सारे के सारे बच्चों ने क्या किया मिस्टर स्नोमैन के साथ, लेट्स गो एंड सी। ठंड लगी ओढ़ो रजाई, ये तो देखो सर्दी आई, ओढ़ो रजाई, ओ भैया ओढ़ो रजाई। सारे बच्चों ने मिलके फिर मिस्टर स्नोमैन को दोबारा बना दिया, लेकिन जैसे ही दोबारा बनाया तो फिर से ठंडी ठंडी हवा चली, ठंडी ठंडी हवा चली भाई, हवा चली। जैसे ही ये ठंडी ठंडी हवा चली,
तो मिस्टर स्नोमैन को फिर से छींक आई। आठो! उन्होंने छींक मारा और कहने लगे, मुझे तो बड़ी ठंडी लग रही है। ओहो, बड़ी ठंडी लग रही है, कुल्फी जम रही है, मैं तो जम रहा हूँ। तब एक छोटा सा लड़का आया उनके पास और कहने लगा, अरे मिस्टर स्नोमैन, कोई बात नहीं, आप मेरा रेड एंड ब्लू कलर का स्कार्फ ले लीजिए, आप पे ये अच्छा भी लगेगा और क्या पता आपकी ठंडी दूर भी हो जाए। जब मिस्टर स्नोमैन ने ये ब्यूटीफुल सा स्कार्फ पहना तो उन्होंने बोला, अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अपनी आंखें झपकी और कहने लगे, वाह ये तो ब्यूटीफुल है, सरप्राइज। अरे वाह, देखो बच्चों, मिस्टर स्नोमैन कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं ना। उनका स्कार्फ बहुत बढ़िया जा रहा था उनके पिंक कलर के कैप के साथ। तब बच्चों ने कहा, कितने अच्छे लग रहे हैं आप मिस्टर स्नोमैन। तब स्नोमैन कहने लगे, अच्छा तो चलो लग ही रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी बहुत ठंड लग रही है। ओहो, मैं तो जम रहा हूँ, मुझे तो थोड़ी और गर्मी की जरूरत है। अरे वाह, ये तो कैंप फायर लगा हुआ है पेड़ के नीचे, तो चलो जाके मैं थोड़ी सी आग सेक लेता हूँ। जब मिस्टर स्नोमैन कैंप फायर के सामने जाकर खड़े हुए तो उन्हें तो बड़ा मजा आया, ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम आग सेक के कहने लगे, वाह ये तो बहुत मजेदार है। लेकिन हो, ये क्या हुआ? अरे बच्चों, आप मानो या ना मानो, मिस्टर स्नोमैन तो फिर से पिघल गए, क्योंकि आग थी कुछ ज्यादा ही गरम। तब बच्चों ने कहा, अब क्या करें, व्हाट शुड वी डू। तब पिघले हुए स्नोमैन से आवाज आई, अरे भाई मुझे दोबारा बना दो, मेक मी ब्रांड न्यू। तो चलो देखें फिर से बेचारे बच्चों ने मेहनत करके मिस्टर स्नोमैन को बनाया कि नहीं। लेट्स गो एंड सी। ठंड लगी ओढ़ो रजाई, ये तो देखो सर्दी आई, ओढ़ो रजाई, ओ भैया ओढ़ो रजाई। अरे देखो कितने मेहनती बच्चे हैं, है ना। तीनों के तीनों बच्चों ने फिर से मिस्टर स्नोमैन को दोबारा बनाया, लेकिन जैसे ही बनाया फिर से चल पड़ी ठंडी ठंडी हवा। भैया ठंडी ठंडी हवा। जैसे ये ठंडी ठंडी हवा चली, मिस्टर स्नोमैन को फिर से ठंड लगी और उन्होंने जोर से छींक मारी। जैसे ही उन्होंने छींक मारी, उन्होंने कहा, ये तो बहुत जोर की ठंड लग रही है, अभी भी ठंड लग रही है मुझे। फिर एक छोटी सी लड़की उनके पास आई और कहने लगी, अरे मिस्टर स्नोमैन, आपको तो अभी भी ठंड लग रही है ना। कोई बात नहीं, आप मेरा कोट ले लीजिए, ये आपको परफेक्टली फिट आएगा और आप पे अच्छा भी लगेगा। मिस्टर स्नोमैन ने जब इस कोट को पहना तो उन्होंने अपनी काली काली आंखों को झपकाया और कहने लगे, वाह ये तो है बहुत ही बढ़िया सरप्राइज, और ये कितना अच्छा भी जा रहा है मेरे बाकी कपड़ों के साथ, ब्राइट ऑरेंज कोट, मजा आ गया इसको पहनकर। और बच्चों ने भी कहा, हाँ बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं आप, एकदम हीरो लग रहे हैं। लेकिन जब मिस्टर स्नोमैन ने इतने सारे कपड़े पहन लिए तो वो कहने लगे, ओहो अब तो मुझे गर्मी लग रही है, क्या करूं, ये सारे कपड़े उतार दूं, गर्मी। तब तीनों बच्चों ने मिलके कहा, नो 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 मिस्टर स्नोमैन, ऐसा मत करना, सिर्फ सुन लीजिए हमारा क्या है कहना, चलो चलते हैं कुछ ठंडा खाते हैं आइसक्रीम स्टोर में चल के, और जितने आपके मन में हो दो तीन या चार स्कूप्स भर भर के। स्नीजी ने खूब सारी आइसक्रीम खाई, वो भी 7 स्कूप्स हाई। अब कहने लगा, ये तो है बहुत ही बढ़िया, ना लग रही है मुझे ठंड ना गर्मी, ओ मेरे भैया, और ये जो कपड़े पहने हैं मैंने, ये भी है एकदम ब्राइट, और कहने का जी करता है विद एवरी बाइट कि फाइनली आई एम फीलिंग एकदम राइट। ठंड लगी ओढ़ो रजाई, ये तो देखो सर्दी आई, ओढ़ो रजाई, हाँ भैया ओढ़ो रजाई, हाँ ओढ़ो, हाँ ओढ़ो, हाँ ओढ़ो रजाई, हाँ ओढ़ो, हाँ ओढ़ो, हाँ ओढ़ो रजाई। ठंड लगी ओढ़ो रजाई, ये तो देखो सर्दी आई, ओढ़ो रजाई, हाँ भैया ओढ़ो रजाई। तो बताइए कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, अच्छी लगी
अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दो आप लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ करो इसे शेयर एंड लिसन टू मोर स्टोरीज एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए ये थी आज की हमारी स्टोरी टाइम। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू स्टोरी। अंटिल देन इट्स टाइम टू से बाय बाय।